बतावत आई यही से जकर सबकर मरमा बिदक गलबा भाए जायद है ऐसे पंडिया जी के यो से रिया बा अब का करबे चली तो देखैबे तब सब समझी ने चले अब भगवान की तरफ से जौन भैल भैल बहुत बढ़िया भैल और बताओ तो इतना बढ़िया आनंद कहीं नहीं बा आप लोग विचार करके देख ले अमेरिका में भी रहन वैज्ञानिक रहन सबो तो दिमाग के अंदर वो वैज्ञानिक वाला काम करे के तनाव रहा ने अब यहाँ कौन तनाव बा अगर जिकरे मन में एको काम न रही हाँ बस भगवान के ध्यान भगवान के चर्चा ते ई कैसे काम मिटी काम तो कहब कि मिटे वाला बा नहीं जब तक जीवन रही तब तक मिटबे न करी मिटला बिनु संतोष ने काम न साही बिना संतोष के काम का नाश नहीं हो काम अक्षत सुख सपने हु नाही सपना में भी कहा सुख बा जैब सूता तक काली के सोचते है काल का क्या करे की बा तो वही दे सोचत के सुतबा और सुबह उठता फिर काम में लग जा इसमें सब काम का नौकर बनाबा भगवान जी की कृपा बल हमसे कहन बस जय श्री राम और राम भजन बिनु मिटही की कामा भगवान के भजन के बिना काम मिटत नहीं इन्होंने एक लगे रहे ने ठीक बा तो अब आगे कथा सुनल जा समझल जा यह सब बात बा जोन बात बा एकदम सरल सरल बा जो है यदि नींद रूपी जुड़ी तो आ जाई काहे को उनके विषय के बातें नहीं बा उन्हें कब मन पवित्र करा और उन्हें अपने विषय के मन लगल रही और इतना नहीं अगर हृदय में मूर्खता रूपी उन्हें बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है सोचिए कि कहां से आ गए फंस गए यहाँ तो कुछ बदला नहीं बा मछली उछली है नहीं बा जिससे वहां जाकर भी अभागे लोग ए मान सरोवर में स्नान का मतलब वही मन के धोना हाँ यहाँ मन का सफाई होला भाई ई नहीं कर पौते करी न जाई सर मजन पाना अब फिर आ वही समेत अभिमाना वहां गए यहाँ के बाद सुनिए ना नींद आ जाई तो कुछ समझ में तो आई ना तो कहते हैं कि वो इस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो उनसे किया नहीं जाता ठीक है और अभिमान सहित लौट कर आते हैं सुनिए ना कुछ समझिए ना और अभिमान लेके वापस जब कथा समाप्त हुई तो लोग कहिए उठो हो चल रहा है कथा खत्म होगा तो यहाँ से अभिमान के तरफ जाइए और इतना ही नहीं ई न कहिए कि जाके वहां गए तो नींद आ गल बल्कि का कहिए कि जो बहोरी को पूछने आवा अत सर नींदा करी ताही बुझावा यदि फिर कोई उससे वहां का हाल पूछने लगे कि अरे गौल अलग कुछ मिलल बाबा जी की यहाँ से तो आत गयल नींद सुने तो कुछ नहीं तो फिर वो अपने अभाग्य की बात न कह करे कि न कहिए कि गले नींद आ गौल बल्कि लगिए निंदा करे निंदा करके समझा लोगे कि मतलब वहाँ कुछ नहीं बा वो झूठे है जो नो पता नहीं क्या क्या ढोंग रचाता है वहाँ कुछ समझ में नहीं आता अपन ही ना कहिए कि हम नींद आ गल तो यह सब जो है ये कौवा और बकुला लोगन का काम बा यहाँ बड़ा अच्छा लगा था कि आप लोग सुनोता है अगर कोई के जमाई नहीं आता तो आप लोग जरूर देवी देवता के रूप में यहाँ बाय भाई देखा जो बात बा इनमें बा अगर अभागा लोग हुई है तो उन्हें नींद आई जरूर आवोला और वो जगह कहे भाई ना तो कुछ लोग जो हो हाँ तो बाद में कहले जब कथा समाप्त हो जाला ना तो कहिए कि महाराज कुछ कहले वो समझ में नहीं आया फिर से तो नहीं बता हुआ है हाँ तो अब ध्यान दे तो सकल विघ्न नहीं ध्यान दे भैया भैया जय श्री राम जय श्री राम ध्यान दे अब ध्यान दे
कि सकल विघ्न व्यापही नहीं ते ही। कल्याण कल्याण ज्यादा स्पर्श किराए कल्याण कल्याण। सकल विघ्न व्यापही नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कही जे ही। ये सब जितने विघ्न है, चाहे घर का नाना जंजाल हो, कुछ भी हो, ये सब विघ्न ओके नहीं व्यापत, जिनके ऊपर श्री राम जी के कृपा दृष्टि बना रहला। आप थोड़ा समय लगा ठीक बा, ओके ये विघ्न व्यापत नहीं, ओके आई तो ओके नींद न आई। हाँ, असोई सादर सर मजनु करई, महा घोर त्रय ताप नजरई। वही लोग जेके नींद न आई, ध्यान हर उहर मत करल करे। हाँ, सब ये कहला जब भोर में लड़कवन के उठावल पढ़े बदे, तो उन्होंने के झपकी आवला ने, तो कलन कारे सूचत है, तो कलन नहीं सोचा था ही। सब खाना बनाओ ले, ध्यान दे, वो सब अनुभव हुआ, ध्यान दे, भाई यहाँ तो ठीक रही। तो कहते हैं कि वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करते हैं, इनमें देखा मन धूला लाभा। हाँ, ये कथा से मन का पवित्रता होला, और महान भयानक त्रिताप से, तीन प्रकार के ताप से मनुष्य लोग जला ले, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा आप लोग सुने बार ना, तो यही जो है तीनों तापों से लोग ऐसे जलते नहीं है, इन तापों से मुक्ति हो जाती है। जो भी मनुष्य शरीर धारी, जो भी समझने वाला हो, जब इस कथा को शुरू से अंत तक सुनेगा, तो अवश्य वो तीनों तापों से मुक्त हो जाएगा, यह निश्चित प्रमाण है। क्योंकि पता लग जाएगा कि सब सत्य वही है, यहाँ पर कुछ है नहीं, अहंकार गल गया। श्रद्धा भाव से एक सेवक के भांति अपना सेवा करेगा तो उसे कोई मतलब नहीं जी। तो ते नर यह सर सजई न काऊ, ध्यान दे, बहुत ऊंची बात बाबूया, कि जिनके राम चरण भल भाऊ, जिनके मन में श्री राम जी के चरणों के प्रति सुंदर प्रेम प्राप्त हो गया, वे कभी भी इस मानस सरोवर को, ये भगवान शंकर जी की मानस सरोवर है भैया, इसकी रचना भगवान शंकर जी ही किए हैं। आपके आने के पहले यही सब चर्चा हुई, रच महेश निज मानस राखा, अब पाई सुसमय शिवासन भाषा। ठीक ने, तो जेके सुन के जेके में प्रेम हो जाला, तो वो एक तजत नहीं, क्या कि यहाँ से संसार में निकलबा तो हर जगह आगी आगी बा, जैसे मिलबा तो कई कमुआ नहीं कर ले, यहाँ सब मिलाला कमुआ से मिलाला भवा इस संसार में। तो कहते हैं कि जेकर मन भैया रामचंद्र जी के सुंदर चरणों में प्रेम करने लगा हो, वह इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ता। ठीक न, कहते हैं कि जो नहाई चह एही सर भाई, असो सत संग करऊ मन लाई। जो इस तालाब में स्नान करना चाहता है, वह मन लगा करके सत्संग करे, क्योंकि जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक बुद्धि पवित्र नहीं होगी। आप लोग जानते ही हैं कि बिनु सतसंग विवेक न होई। तो यहाँ तक तो सुने बहन, लेकिन ओकरे आगे के करिया लोग काट दे ले, कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो आप समझ ली, भगवान जी के कृपा हो तो
ना ही तो इन्हें पैदा हुआ कि पहले ही इन चल गए हैं, तो फिर कहाँ से उठे 25 साल बाद। तो भगवान के कृपा था तब न होता। तो जब भगवान के इतना बड़ा कृपा होगा कि मनुष्य के शरीर मिल गया, सत्संग मिल गया, भगवान के कथा सुने के मिल गया, तो मुक्ति रूपी और भक्ति रूपी मणि से प्राप्त हो जाए के चाहिए। अगर एक बाद भी अगर कोई नहीं ले पावता तो ओकर दुर्भाग्य बाबा है ना। ठीक न, समझल जा। तीनों बड़े भाग्य से मिला ला। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। देवता लोगन के विभवाई शरीर दुर्लभ बा, माने बड़ा मुश्किल से मिला ला। एक बात, बड़े भाग माने राम जी का कृपा, और दूसर का मिला ला, बड़े भाग पाईब सत्संगा, अब बिना ही प्रयास हो या भ्रम भंगा। इनमें कौन प्रयास करे के बा, कौन जब तक पूजा करे के बा, कौन यज्ञ करे के बा, भ्रम बड़े प्रेम से भंग हो जाला। और तीसरका बात बा, श्री गुरु पद मख नख मणिगर ज्योति, बड़े भाग उर आवही ज्योति या जासू। हाँ, तो बड़े भाग से जो गुरु के चरण नख की ज्योति माने वह भाव, तीन चीज यही प्राप्त होता है बड़े भाग से। सच्चा गुरु मिले तब सारा कार्य होता है। और आप लोगों को संसार में कुछ जुटाना है भैया तो विरक्ति देखिए। कथा को आगे बढ़ाएं इसके पहले देखिए इस बात को फिर समझ लीजिएगा। गाय है, दूध भी है, लेकिन बाल्टी तो चाहिए है। बिना बाल्टी के दूबा तो जमीनी पे गिर के सब खत्म हो जाए। तो यहाँ तक तो सब लोग कर दिए हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो। ठीक न, एक एक बार फिर आज कल करे रहे चर्चा पर न। हाँ, तो देखा वही विराग, चूंकि कोई जुटा नहीं पावता न, तो बस खाली वही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु करके अपन लहा ले बन, वही कपट के जाल। कहे कि अगर संसार में अगर कुछ जुटावे की बात है विरक्ति, लेकिन कलयुग के प्रभाव से लोग खाली धन जुटावे के चक्कर में पड़ा है। जौन जुटावे के बाद जुटे नहीं, जब बाल्टिया न रही तो गुरु ज्ञान का दूध दे की क्या करिए, वो सब जो है। तो ठीक बा, तो अस मानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर, उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है ना। कहे कि ये जब आप पूरा सुनिए तो बाद में एकदम पक्का पक्का समझ में आई कि भगवान श्री राम ही जी सत्य के नारायण है, शंकर जी सत्य है और सत्य के नारायण है श्री राम जी। सत्य के नारायण माने सत्य का समुन्दर। हाँ, आप लोग आगे बढ़े के पहले भाई देखो, एकदम में सरल शब्द में बहुत छोटे में एक बात जान ले। सब बहुत यहाँ गुरु बना बाए, लेकिन बात बहुत साफ साफ बा उत्तर कांड के अंत में जाके मिली कि शिव सुकसन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सुख माने सुखदेव जी, नहीं शिव, शिव माने वही शंकर जी के जो स्वरूप बा, उस शिव का तो बड़ा अलग रूप बा। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनत सनंदन सनत कुमार जी और नारद जी, जे परम ब्रह्म परमेश्वर के विचार में विशारद, विशारद माने विशेष ज्ञान प्राप्त करे वाला लोग बहन। अब शंकर जी ब्रह्मा जी और नारद जी इनसे बढ़ के बा धरती पर, तो सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा।
इनका सबकर मती बा जोने भगवान शंकर जी के आप लोग सेवक बहन उनकर मत बा ब्रह्मा जी के मत बा सनत सनंदन सनत कुमार जी ये तीन बाल ऋषि हैं भैया जानत है सबकर मत यह बा कि करिय राम पद पंकज निहार भगवान के चरणों में परम पवित्र प्रेम होना चाहिए तो वह परम पवित्र प्रेम तभी मिलेगा जब आप लोग अपने सांसारिक जीवन का जो भी प्रेम है इसको पवित्र पवित्र निर्वाह करेंगे तब और पवित्र निर्वाह तभी कर सकते हैं जब किसी सेवा में लालच वासना न हो अगर लालच वासना रहेगा तो वह प्रेम पवित्र नहीं हो सकता नाथ तो ठीक है तो भयहु हृदय आनंद उछाहु उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहु कते हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ गया उमड़ जाना मतलब समझत है क्या एकदम भाव जब पक्का पक्का होगा कि भगवान है सत्य है तो बस सत्य के जब पता होगा कि पीतरी कहो इस सोने कहो तो पीतरी के छोड़ देवे ने तो सोना पकड़वे माने कि पहले आप जान ले आप लोग कि सत्य और असत्य सत्य माने जेकर नाश कभी नहीं हो जेकर नाश कभी नहीं हो और असत्य माने जेकर नाश हो जाला भाई एकदम सरल बात बात यहाँ सब नश्वर है संसार जगत बा जे पैदा होता सबे मरता तो संसार जगत में खाली एक पवित्र प्रेम सिखावे का साधन है ऐसे ज्यादा कुछ नहीं तो चली सुभग कविता सरिता सो राम बिमल जस जल भरितासो कहते हैं कि वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है इस नदी में क्या है श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल ये बात के समझा जाए आप देखिए बड़ा बारीकी से समझ गई है जब आप कोई भी सेवा बिना लालच के करेंगे तब आपका यश सुंदर होगा अगर सेवा में लालच रहा तो कोई यश की प्राप्ति नहीं होगी सेवक सुख चाह मान भिखारी अगर सेवक सुख चाहे भिखारी सम्मान चाहे लोभी यश चाहे लोभी यश चाहे तो ये सब लोग जो है ना आकाश के दुख के दूध लेवे चाहते हैं आकाश के दुख के हाँ तो यदि पवित्र यश प्राप्त करे के बाद तो लालच के एकदम संतोष रूपी दैवी शक्ति से ध्वस्त करके फूंक दले जाके गंगा जी खत्म ठीक ना तो संतोष तक पहुंचे के पड़ी बा सब रास्ता बा ओके ठीक बा लोभी के यश प्राप्त नहीं हो तो जो भगवान का जो सुंदर यश है वही निर्मल जल है इसी जल से मन का मैल धुला जाता ठीक ना निर्मल यश काहे न रही धनुष देखे धनुष जग देखे गलन ने कि कुल राजन के पले ही हल्का देन कि हट जाओ कोई नहीं आएगा हम धनुष तोड़ेंगे ये सब तो कुछ नहीं करे भाई जनक जी के ऊपर जब विपत्ति पड़ा तो विश्वामित्र जी के आज्ञा सुदैव भाई जनक जी के दुख दूर कर देता ही अंत में ने यहाँ तो जो है कि सब झगड़ा करने लगी है अगर कोनो स्वयंवर रचा जाए झगड़ा करने लगी है ना तो कोई बात नहीं तो देखा जाए असरजू नाम सुमंगल मूला अलोक वेद मत मंजुल कूला कहते एक कविता रूपड़ी नदी का नाम सरयू है
एकर एक नाम सरयू भी दे हैं। कहे कि सरयू जी की महिमा बड़ी अपरंपार है। विमल मती वाली शारदा भी ये जो सरयू नदी है इसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। बड़ा विशेष रहस्य है सब जी। तो कहते हैं कि जो संपूर्ण मंगलों की जड़ है, माने एक सुन के समझ के जब आप आगे संसार जगत में कार्य करिए तो उनमें खाली मंगल मंगल हुई, उनमें फिर अमंगल होगा का चांस नहीं रहा। और क्या कहते हैं, लोकमत और वेदमत यही जो है ये दो सुंदर किनारे हैं, ये दो सुंदर किनारे हैं इस नदी के जो सरयू रूपी नदी है। तो लोकमत और वेदमत, और भैया स्थिति है कि आज संसार वेदमत पे नहीं चल रहा है, आज का संसार कपट मत पे आधारित। आप महसूस कर पा रहे होंगे जब इतना घूमे हैं, अमरकंटक वगैरह भी बता रहे हैं, गए सब सेवा किए, हर जगह तो कपट है। कहे कि बिना लालच के कोई जो है कुछ कर ही नहीं रहा है, चाहे वो शंकराचार्य हो चाहे कोई आश्रमदारी और जगह जी। तो नदी पुनीत सुमानस नंदिनी अकलिमल त्रिन तरु मूल निकंदिनी। यह जो सुंदर मानसरोवर की कन्या सरयू नदी है वह बहुत ही बड़ी पवित्र है, यही इसी को नदी बता रहे हैं सरयू नाम से। यह बहुत ही बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े जो पाप रूपी तिनके और वृक्ष है, कलयुग में यही सब है ना, लालच काम गुस्सा घमंड जलन ममता, ये सब तिनका के समान है, एक उखाड़ के फेंक देला। एक जब सुन ली है पूरा अच्छे से तो फिर ये सब कुछो न रह जाये, खाली भगवान सच्चा है, ये शरीर उनका सेवक हो, सेवा दे दे, कोनो लालच नहीं बा, जय श्री राम। और भगवान के बस यह बा कि जौने दिन मन वाणी कर्म से उनके सन्मुख हो जाए, करोड़ों जन्म का पाप वही छड़ू नष्ट कर दे ले। तो हम और हमार वाला जो सोच बा ओके हटा देवे के चाहिए, तो हटावे वाला अब जब कोई रही गुरु, जेकर हटा रही वह ने हटाई, और जेके अब आश्रम चलावे के बा, एक पंथे निकाले के बा, संसार में फोटवे पूजा करावे के बा, नामे करे के बा, तो कैसे निकाल पाई, विचार करके देख ले। तो श्रोता त्रिविद समाजपुर ग्राम नगर दुहकुल अशंत सभाय अनुपमय अवध सकल सुमंगल मूल। ये तीनों प्रकार के जो श्रोताओं का समाज है वे ही इस नदी के दोनों किनारे पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं। तीन प्रकार का श्रोता हो लेन भाई, एक तो है जो कि जो भगवान को जानने के लिए एकदम आमादा हो करके दृढ़ प्रतिज्ञ हो करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, और दूसरे हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति, जिज्ञासु कि उनके अंदर आधा इधर आधा उधर, और तीसरे हैं विषयी लोग, वो खाली बस मजा लेने के लिए आते हैं, चलो कथा होता तो नहीं सुनल जा किसम होता। तो यही जो तीन प्रकार के श्रोता हैं, तो धीरे धीरे ऊपर उठते जाते हैं, धीरे धीरे जब उनको मिलने लगता है ना तो जिज्ञासु और फिर ज्ञानी हो जाते हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तीन प्रकार के जीव हो लेन, संसार के विषयी और एक साधक और एक सिद्ध। तो भाई अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, जब लोगन के अच्छा पता लगी कि सामने वाला का चरित्र अच्छा बा, हमनों के ऐसा हुआ के चाहिए, तो साधना करवा फिर धीरे धीरे सिद्ध हो गई है। तो यही है। और कहते हैं कि जो संतों की सभा है वो सुंदर मंगलों को करने के लिए अनुपम अयोध्या जी ही है। अब आप समझ ले कि एक सच्चा संत हो तो आप जान लीजिए कि वो सीधे अयोध्या जी ही आपके यहाँ पधार चुके
और सत्य सच्चे संत में जो है देखिए विरक्ति का बहुत जरूरी है भाई, बिना विरक्ति के संत कैसे, क्योंकि बिना वैराग्य के योग नहीं, बिना योग के ज्ञान नहीं, जब तक ज्ञान होगा नहीं तब तक कौन सा ज्ञान देंगे। तो राम भगति सुर सरित ही जाई, अब मिली सुकीरति सरज सुहाई, असानुज राम समरे जसु पावन, मिले महान तू सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिल जाती है। जिसके पास राम भक्ति हो गंगा की धारा संत के अंदर हमेशा चलनी चाहिए, इसके अलावा उनका कोई अलग से कार्यक्रम होने की जरूरत नहीं। जिस संत के अंदर श्री राम भक्ति रूपी गंगा की धारा नहीं बह रही है तो वहां समझिए कि बेकार है वो संत। श्री राम भक्ति रूपी गंगा की धारा, ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती और कलि निषेधमय, माने क्या करना, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, माने संसार में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस रूपी यमुना जी, अगर किसी संत के अंदर तीनों रहता है तभी तो वह संत है, नहीं तो जो पाखंड आडंबर में लगा हुआ है वो संत दिया नहीं हो सकता, क्योंकि संत जो है चेतन प्रयाग होते हैं। शुरू में ही आप देखे होंगे संत जो है चेतन प्रयाग होते हैं, उनका चरित्र सुन करके सब देख करके लोग जो है कि अपने मन को पवित्र कर लेते हैं, भाई इन करें तो इतना अच्छा बन है, मन पवित्र होएगा, जय श्री राम ऐसे अच्छा का बात, जीते जीते मुक्ति, नहीं तो देखो तो भाई जीवन भर जो है कि सब लूटता है और मरे के बाद भी पंडित जी है और गरुड़ पुराण का जी तो का मुक्त हो जीवे, नहीं जे जीते जीते मुक्त न हो भाई, मरले पर का मुक्त हो दबे। हाँ तो वही बात बा एवे बा कि जो छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का जो पवित्र यश रूपी सुहावना आप लोग नदी तो सुने हो गए, नदी स्त्रीलिंग हो, नद भी होला पुलिंग आपके ले जाते ही वही छिना जहां से आलवाए, सोन सोन के लोग नदी कह ले नहीं सोन नदी नहीं यही नद हो, अमर कंटक से नर्मदा और सोन गए है ना, तो सोन नद है, सोन क्या है, हाँ तो वहां के लोग जो है कि अपन युक्ति बनाए बाय कि सोन नद के नर्मदा से भी यहाँ हुआ वाला रहा समझे, तो वहाँ कुछ ऐसा तिकड़म भर कि नर्मदा जी जो है कि अपन कपड़ा वाला पहना के जो न कोनो सुंदरी के भेज के परीक्षा ले ही और उसके बाद में वहाँ खटपट हो गया कुछ, तो उन दूसरे तरफ भाग गया, उन दूसरे तरफ कुछ वहाँ के लोग बता रहे हैं अमर कंटक में, हाँ कुछ एक प्रकार के अपन लोग बताए हैं। तो कहते हैं कि जो श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद है सोन, उसमें आकर के मिल जाता है, सोन उसमें जाकर मिल जाता है, ये बड़ा रहस्य की बात है, माने इस यहाँ पर सिर्फ कहने और सुनने की बात नहीं है, इसको जब एक एक चरित्र सुनेंगे, जब लक्ष्मण जी की सेवकाई सुनेंगे, 12 साल तक उनका नेत्र झपका नहीं था महाराज, हाँ तो इतना भाव पक्का पक्का होना चाहिए। बता रहे हैं कि जो भी भाव को ऐसे पक्का करना सीख ले कि इस शरीर में जो भी रिश्ता मिला, जैसे आदमी लोगों को पुत्र भाई पति पिता दादा जो कुछ भी, या माँ जी लोगों को बेटी बहन पत्नी माँ, हर रिश्ता को पवित्र भाव से जीना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर पवित्री नहीं वहां पर फिर कुछ आनंद नहीं है,
खाली परिश्रम हाथ आता है, उसका फल कुछ नहीं है। ठीक, तो जुग बीच भगति देव धुनि धारा अशोहति सहित सु बिरति बिचारा। दोनों के बीच में जो भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, वही ज्ञान और वैराग्य से वैराग्य सहित शोभित हो रही है। दोनों के बीच में जो धारा है वही क्या है, ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है। अत्रिविदिता पुत्र सकत्रिमुहानी राम स्वरूप सिंधु समूहानी। जो तीनों तापों को डराने वाली त्रिमुहानी नदी है। तीनों ताप दैहिक दैविक भौतिक यहाँ कुछ आता नहीं है। जब वही आके त्रिमुहानी मिलता है तो राम भक्ति के समुद्र में जाके मिल जाता है और तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। अरे भाई सेवक है, सेवा कर दिए, जिसको जो करना है जो जैसा कर रहा है उसको वैसा फल मिलेगा। अब आप समझ लीजिए कि ब्रह्मा जी नाप नाप के देते हैं, जितना अच्छा किए हैं वो उसका फल ले लीजिए, जितना खराब किए हैं वो फल लीजिए। और जब भगवान के भक्ति में मिल जाते तो ब्रह्मा जी की वहीं पर काम समाप्त हो जाता है और जितने जन्मों का जो पाप है वो एक ही बार में नाश हो जाता है। इसीलिए कभी किसी का बुरा तो करिए ही नहीं जी। मानस मूल मिली सुर मानस मूल मिली सुर सर ही असुनत सुजन मन पावन करी ही। कहते हैं कि इस कीर्ति रूपी सरयू का जो मूल मानस है भगवान का चरित्र, यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिलती है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। तो सीधी बात है, पहले मन का पवित्री करिए, उसके बाद में कोई जीवन जिए, है ना? ये भगवान की कथा तो जो है जीवन का शुरुआत करने के पहले ही सुन लेना चाहिए। कम से कम जो भी आचरण करे रामायण हो तो वह आचरण जो है पवित्र होना चाहिए। ठीक है, तो बीच बीच कथा विचित्र विभागा अजनु सरी तीर तीर बने बागा। कहते हैं कि बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं होती हैं, वही मानो नदी तट के आसपास वन और बाग है। नदी के किनारे वन और बाग भी होते हैं। आपके जरूर नदी के आसपास बाग कुछ कुछ होगा के चाहिए। हाँ, तो यही जो कथाएं हैं विशेष प्रकार की, वही जो है सरयू नदी रूपी जो राम कथा है, वही कथाएं ही जो है बाग बगीचे हैं। ठीक है, और ध्यान दधाय कि उमा महेश विवाह बराती अते जल चरे अगणित बहु भांति। एक एक लाइन में इतना आनंद बने क्यों कहीं नहीं बा भवैया। अब श्री पार्वती जी और शंकर जी के विवाह के जो बराती हैं, सुनत है? हाँ, शंकर जी के विवाह भल हल ई मत सोचे कौन है का, वो तो 108 बार भल नंती वही पार्वती जी का जी। यहाँ पर तो बता रहे हैं कि जो माई लोग एक बार सामने आओ उन्हें माया माती का कहें माता पार्वती बना दे दम सीधे। वो नहीं कर जीव तो एक बाहुर का सोचता है, तब जाके उनकर मुक्ति भावा। इनमें जो है कि रास्ता बा, रास्ता अगर दी है
तो बड़े आराम से माई लोग, अगर आप लोग ना थोड़ा सा जो है कि एक बात के अगर समझिए तो माता पार्वती बने में थोड़ा तनको समय न लगी। तो ध्यान दे कि जो माता पार्वती और शंकर जी के विवाह के बराती है ना, वो इस नदी में बहुत असंख्य प्रकार के जलचर है, जलचर जीव है। और रघुबर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहर ताई। कहते हैं कि जो श्री राम जी का जन्म की बधाइयां है, वही इस नदी के भवर और तरंगों की मनोहरता है। श्री रामचंद्र जी के जन्म की जो बधाइयां है, शंकर जी और काक भुसुंडी जी भी पहुंचे मनुष्य के शरीर लेके कौशल्या माई के बधाई देवे बजे। हाँ, बड़ा बारीक बाबा है। हाँ, तो बाल चरिते चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, अनिप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग। जो चारों भाइयों का बाल चरित है, ध्यान दे, यहाँ पर एक संदेश बहुत अच्छा से देंगे। वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। जो चारों भाइयों का प्रेम होता है बचपन से, भाई इतना देखे इतना घूम करके, वो वाला प्रेम यहाँ कहीं नहीं बा। हाँ, सही बता रहे हैं। यहाँ पर जो भाव है ना कि सुंदर कांड बाद में कहलवाना शुरू करिए, पहले जो चारों भाइयों का प्रेम भाव है ना, वही कांड अगर संसार जगत में चले तो लोग प्रेम करना सीखे। यहाँ सबको प्रेम करना है, भाई भाई में उतना, राम लक्ष्मण की तरह भी लड़के लोग रहे तो कितना अच्छा लगेगा। कहते हैं कि महाराज दशरथ जी और उनकी रानियों सहित कुटुंबियों के जो सत्कर्म है, जो पुण्य है, वे ही भ्रमर और जल के पक्षी है। सुंदर कांड के पहले बाल कांड का शुरुआत एक नया शुरू करिए, क्योंकि आजकल वो भाई भाई का प्रेम ही नहीं दिखने में आता है कहीं, सब झगड़ा करने लगते हैं। नहीं, बड़ा अलग बा, कलयुग कैसे महिमा बा माई, लड़का लोग तब तक माई बाबू के माना लेन जब तक मेहरारू का मुंह नहीं देखते। मेहरारू का मुंह देखते जो है वो जो ना बदल जाले। सुत मान ही मात पिता तब लो, अब लानन दिखे नहीं जब लो। माई कही पंडित जी तुके कैसे पता, तू तब भी हो नहीं कर ले। अरे सब रामायण में लिखा हुआ कि कलयुग में लड़का लोग तब माई बाबू के मान लन देख ले मन जाए, जब ब्याह हो जाए तो अपना मन लगा दिए उधर है न। फिर ननकू भाई से कही हम हल्के हल्के कर दो तुके। ननकू भैया के पूछे मत, इनका बुढ़िया बनाई थे कहिए। और जब जो ना कि रामनवमी आई तो तीनों घरे से आई। अरे अच्छा बात, तीन थे बहू बहन, कितना प्रेम से जो है, अगर प्रेम से कि बाबूजी ठीक बात, तीनों जने के सेवा का मौका मिले चाहिए, लेकिन कम से कम तीसरे दिन हमारे प्रसाद ग्रहण कर ले करते है। खाली तो भरवे की भैया, खाली देखा कितना अच्छी बात बान है कि अगर लोग एकदम प्रेम से कि बाबूजी माता जी सहित तू राम नाम का अपन जाप करो, हमने के मौका दे दे सेवा के, कितना बढ़िया भाव आई। लेकिन अब यहाँ तो फिर त्योहार जो है, अब रामनवमी के बाद कौन आई। ठीक बात, माने समझे के बाद चलो ठीक बा, अब आगे देखल जा। स्वयंवर कथा सुहाई, असरित सुहावनी सो छवि छाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, अकेवट कुशल उतरे सविवेका। कहते हैं
कि जो सीता जी की स्वयंवर की सुंदर कथा है, जब सीता जी का स्वयंवर लगा ला तो लोग धनुष जग देखा जरूर जाले रामलीला में, बाकी कुछ देखा जा चाहे न जा लेकिन धनुष देखा, धनुष जग देखा जरूर जाले, कारण कि वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है और अनेकों जो सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न है भैया। कुछ लोग तो बड़ा अटपटा सटपटा प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन जो विचार पूर्ण प्रश्न है वही इस नदी की नाव है, और जो विवेक युक्त उस प्रश्न का उचित उत्तर देता है वही सच्चा केवट है। हाँ, सुनी अनुकथन परस पर होई, अपथिक समाज सो है सरी सोई। कहते हैं कि इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा करते हैं, यहाँ से आप लोग कथा सुन रहे तो चर्चा बाद में जरूर कर दोगे, है ना? तो वही जो चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा होता है। 24 घंटा का अखंड रामायण होएगा, 5-10 हजार रुपया पर ठीका भल कह के गए। अरे महाराज देखे रामायण कवाए है और पता चल कि एको बाड़ी जी, तो यहाँ बाकी माई जोन कुछ हो एक लाइन हो के समझो सुनो समझे तब ने कम हुई। और क्या कहते हैं, देखो नदी बने तेमे काबा कि घोर धार भृगु नाथ रिसानी, अघाट सुबध राम बरबानी। जो परशुराम जी का क्रोध है, परशुराम जी बड़ा क्रोध करे रहने, वही इस नदी की भयानक धारा है। जब क्रोध किया तो सीता जी भी डरा गई कि रे राम जी को उस समय तक बहुत कम लोग जानत रहे, लेकिन परशुराम जी के सब लोग जानत रहे। हाँ, वो कथा जब आगे आई, पहले वो सब जो धनुष तोड़े बदे राजा लोग चढ़ल है ने, जब परशुराम जी आए तो उन्होंने खूब मनाए कि ले धनुष तोड़े हमने तो तोड़े भाई का, परशुराम जी आ गए भाई बताइए वर्षा से मरवे करिए, सब लोग लगे दिराए। लेकिन कह रहे हैं कि जो राम जी के श्रेष्ठ वचन है वे ही सुंदर बधे हुए घाट है। परशुराम जी जो है नमस्कार करके चलते हैं, ओकरे बाद परशुराम जी का वर्णन कभी सुने के नहीं मिला। ओकरे बाद भैया जब देख लिए कि अवतार हो गया तो फिर वो जो है तपस्या में जाकर के लीन हो गए, फिर उसके बाद कहीं नहीं। तो सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। आप समझ लें कि जो भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह है वही इस कथा रूपी नदी की कल्याणकारी बाढ़ है। जब इन लोगों का शादी होत रहा तब इंद्र जी चले देखे बदे, तो अब देखा जा ऐसा राजा थे राजा दशरथ जनक जी कि अपने समान सब प्रजा, वो कोनो प्रजा के घर में घुस गए सोचे कि सब एक जी सब आए ने राजा के इसना हुआ के चाहिए, ये नहीं कि अपने बहुत अच्छा से वो प्रजा बेचारे जो हो एक एक दाना पानी बदे मरे ऐसा नहीं। तू चला गए पूछे कि यह राजा जनक जी घर गए तो उनके जनों की सेवक का घर हो उनका आगे ये बात आगे आई जी। तो बड़ा अच्छा व्यवस्था बा, तो वही कल्याणकारी बाढ़ है क्योंकि नदी में बाढ़ भी आता है, बहुत लोग देखे बदे आयल बहन। कहत सुनत हर सही पुल काही, अते सुकृति मन मुदित नहाई। कहते हैं जो सभी को सुख देने वाली है इसको कहने सुनने में लोग हर्षित होते हैं। जब कथा पूरा सुनेंगे कहेंगे तो अवश्य हर्ष आएगा, वही जो कहते हैं जो सुनते हैं
वही पुण्यात्मा पुरुष है और बाकी सब बकुला और कौवा है, बाकी सब बकुला और कौवा है। और कहते हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं, और क्या कहते हैं, देखिए इस नदी में नदी से बहुत कुछ होता है, बाढ़ आ गई तो राम तिलक हित मंगल साजा, अपरब जोग जनु जुरे समाजा। जो श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए मंगल साज सजाया गया था, करे वही मानो पर्व के समान इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। भैया बताओ तो वो रात जो ने रात कहके ही जी अंदर रहिन को भोर में ने, वो समय रात भर पूरा जो है अयोध्या समाज जगत रहा। कल सुबह राजा राम जी के तिलक हुए वाला बाने, अब उन्हें क्या पता बा कि वहां कहके ही जी अलगे, तो उन्होंने जागत है खुशी में और यहाँ दुख, यहाँ उल्टा हुई गा बा। कहा देखा ये तो बड़ा उमंग रहा, कोई क्या पता बाकाल से बिरवा हुआ वाला बन है और रातों रात बात बिगड़ जाई, अब बेचारे आप पता नहीं रहा। तो सीधा सीधा बात बा कि काई कुमती के कई केरी, अपरी जा सुफल विपत्ति घनेरी। कहके की कुबुद्धि, जो कहके का कुबुद्धि बता रहे वही इस नदी में काई बन गए आ गई। बड़ा बढ़िया व्यवस्था रहा, लेकिन वो कुबुद्धि काई होगा और जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। भाई जीव के लिए तो विपत्ति है बने, तो समन अमित उत्पात सबो भरत चरित जप जाग, अकली अघ खले अव गुण कथन तेजल मले बग काग। कहते हैं जो संपूर्ण अनगिनित उत्पातों को शांत करने वाला है, जितना उत्पात हुआ सबको शांत करने वाला है भरत जी का चरित्र। भरत जी का चरित्र, वो जितना उत्पात उस नदी के आसपास कैकेयी का ये सब हुआ, राम जी का वनगमन हुआ, तो जो भरत जी का चरित्र है वही नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। और कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वही इस नदी के जल का कीचड़ और बकुले और कौवे है। कौन? जो कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का वर्णन है। नदी में कीचड़ भी होता है ना, तो जो वर्णन है वही सब इसके कीचड़ है। तो कीरति सरित छहूरी तुरूरी, असमय सुहावनी पावनी भूरी। कते यह कीर्ति रूपी नदी छह ऋतुओं में सुंदर है, एक साल में छह ऋतु होला, आप लोग जाना लें, छह ऋतु होला, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हिम और शिशिर, शिशिर ऋतु, ये जो है छह ऋतु होते हैं। मालूम बा भैया ने, आप लोगों के भी जीवन में छह ऋतु होला। गांव वाले चार ऋतु जाना है? अच्छा नहीं, छह ऋतु होला और उनमें बहुत अलग व्यवस्था बा। तो बता रहे हैं कि यह कीर्ति रूपणी नदी छह ऋतुओं में सुंदर है, छह ऋतु में ही सुंदर बा, और सभी सुंदर ऐसे बाकी अंतिम में भगवान के भक्ति मिल जाए सबसे बड़का। राम भगति चिंता मड़ी सुंदर, अब बसहु गरुण जाके उ
पूरे अंतर। बताओ दी भाई, ई भगवान के भक्ति मड़ी रूपी मड़ी जेकरे अंदर बस गया उ समझ ले चिंता मड़ी बा, ऐसे बढ़ के कोनो मड़ी जौने से चिंता मुक्त हो जाए। संसार में तो चिंता बा भाई, ने देखा बात बता लिया भाव ऐसा बाकी बस तुरंत बैठी जा। बड़ा आनंद बा एकदम अपन सुने थोड़ा बहुत कहन गुरु जी बाबा वो अरे कथा हो है। कहे की स्कूल चलाओगे बात कैसे चल के रोज जाओ तो अपन पैदल पैदल चल देन की चले चर्चा करो कहो ताकि यहाँ रोकी जैसन कहो पूरा कथा होई। हाँ कथा जो है महाराज आप अपन बात जो है ननकू भैया से बता करके इनसे प्रमाणित करा ले इनके यहाँ न तो कोनो इच्छा बा न कोनो विषय बा। ननकू भैया प्रमाणित कर दी है बात एकदम फिट फाट बा बस इन चल दी है। आपकी दिक्कत नहीं बनेगी सुनने वालों के दिक्कत कहे कि सबकर इच्छा सबकर इच्छा जोन वाणी जो है और कानों में जाना चाहिए ठीक बात जोन सबकर इच्छा बा कहे कि माई जब बुद्धि सबकर होगा तो जहाँ बैठा देवे हमारा तो बस यह है बाकी बस भगवान की कथा कहेगी मिले लोग सुने बाकी इनकर अपने तरफ से कोनो इच्छा नहीं मजा बा ने तो चले चले सुंदर काम है हल्का काम सबसे बढ़िया वहाँ बहुत बढ़िया वहाँ सब बड़े बड़े सब बढ़िया। हाँ तो वहाँ का बात अब आया जब यहाँ आकर के रोकब तब तो उनमें सीधी सीधी बात का बा हाँ जो छोटे ऋतु बा तो सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती जी का जो विवाह है वही है हेमंत ऋतु। शंकर पार्वती जी के शादी के जो वर्णन बा उ बा हेमंत ऋतु और श्री रामचंद्र जी के जन्म का जो उत्सव है वही सुखदाई शिशिर ऋतु है। शिशिर ऋतु अबरनब राम विवाह समाजु असोमुद मंगल मय ऋतु राजु। कहते श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का जो वर्णन है वही आनंद मंगलमय ऋतुओं का राजा बसंत है। वही ऋतुओं का राजा बसंत है। अग्रिषम दुसह राम बन गवनु पंथ कथा कर आतप पवनु। जब बन गमन होला ने भैया 25 साल पहले माई एन लक्ष्मण का रोल मिला रहा जब जंगल जात रहे ना तो देखे मेरारू लोग रोवे लगी जोन बैठा वाली अच्छा वो देखे लेकिन कोई के कुछ कहे कि नहीं बा नया रोल करा दे उस समय सब रोवे लगली और कह कही के सब गाली जोत के जाली कि बड़ा बुद्धि बा जोनो भगवान राम के जोनो निकाल दे कोई बात नहीं। तो जो वन गमन है वही दूसरा ग्रीष्म ऋतु है वन गमन और मार्ग की जो कथा है अब जा रहे हैं कंकर पत्थर तमाम बातें हैं वही धूप और लूह बा जैसे ही धूप और लूह चलाता ने अब वर्षा घोर निशाचर रारी राक्षसों के साथ जो घोर युद्ध है हो रहा है वही वर्षा ऋतु बा लंका में युद्ध चला असुर कुल साली सुमंगलकारी और जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है वो क्या है कल्याण करने वाली क्या है तो राम राज सुख विनय बढ़ाई विसद सुखद सोई शरद सुहाई। राम जी के राज का जो राजकाल था समय
वही सुख विनम्रता और बड़ाई। अगर आप विनम्र होंगे और सबको सम्मान देंगे तो सबके सहित आप अवश्य सुखी होंगे। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो विनम्र बने, विनम्र बने। विनम्र माने कौनो भाव, विनम्र भाव से बता सको लेकिन देखे भाई है सब बा। और यही जो है निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। असती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। कहते हैं सती शिरोमणि, सतियों में शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। हाँ, अब भरत सुभाउसु शीतलताई, सदा एक रस बरनिन जाई। जो भरत जी का स्वभाव है वह इस नदी की सुंदर शीतलता है। भरत जी जैसन भाई कहाँ मिले, ना ही बहन आप लोग पैदा करिए तो हुई है जी। और कहते हैं कि जो सदा एक सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो उसके बाद कहते हैं कि अवलोकनी बोलनी मिलनी। सुन ले भाई, ये आप सब लोगों के बहुत काम आई। धारण कर, अपने अपने अंदर धारण कर, बस आगे वाले अपने आप उत्पन्न हुई है। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस पर हास, अभायप भली चहू बांधु की जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का जो परस्पर देखना, मिलना और एक दूसरे से प्रेम करना, ये समय एको नहीं रह गलबा भाई, भाई भाई के देख के धन है। हाँ, बड़ा अलग बात। यही प्रेम करना, हंसना, भाईपन, इस जल की मधुरता और सुगंध है। अब ऐसा भाव देखिए फिर से उत्पन्न किया जाए, फिर से लाया जाए, इस प्रकार का जो है कुछ भाव बने। तो कथा को और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तक अगर रहता तो सही है। हाँ, तो उसके बाद में वही आके बलक भरत भरद्वाज है ना, ध्यान दे। तो सीधी सीधी बात बात देख ले, वो चारों भाई के, चारों भाई के, अरे ऐसा एको भाई नहीं था जन्म धरती पर है ना। इन्हें लक्ष्मण बना के वनवास होएगा, और रेतवा परी जब गले गांव की तरफ से जो राम बना लहा, तो उसे कहे कि भाई बड़ा रावण हो गल बान, तू सचो का राम बन जाता, हम 25 साल से अकेला वनवास काटा दही का नाई गुरु मेरारू के नो। हम कहे कि अब ठीक, हम माता जी भाई मत छोड़ो, हम कहाँ कहत आई, लेकिन मन पवित्र कर, राम कथा सुना और सचो का लोगन के सही सही उपदेश दे। रामलीलों में नाटक, घरों में नाटक, खाली नाटक में नाटक, अरे कोनो जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए सही ने। बंद कर नाटक, ये सब देखे नाटक बंद कर, लीला बहुत नाटक करे, बहुत लीला करे, बंद कर। नहीं नाटक करे बहन, अब लीला करो। लीला माने पवित्र, जवन कर्म करो पवित्र करो। ये लीला शरीर बात, यहाँ जब शरीर बात लीला हुआ चाहिए ने, या तो लीला करो या तो भगवान में लीन रहो, तू में से एक करो, ठीक ने। तो आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा आर्थ भाव, विनय और दीनता, इस सुंदर और निर्मल जल का हल्कापन, कम हल्कापन नहीं है, क्योंकि विनती देख तो रहे हैं कितना किए हैं।
उनमें उनका वह विनती सबसे ज्यादा बढ़िया लगला दशरथ जी के मनावाले कहन देखत रे बिटवा के सेवा कई बा हमरे ऊपर कृपा बहुत मने हर बतिये में इतना आनंद वाली बा ना जौना बात कहबे सब अच्छा बा जी। और क्या कहते हैं कि अद्भुत सलील सुनते गुणकारी आस पियासी मनो मलहारी। कहते ये जो है जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है। एक के जब सुनिए तो देखा अच्छा लगी अपने आपे एक के मुहे से पिए की जरूरत नहीं बा। और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देती है। जब जब पता लग जाई कि नहीं सत्य बहन तो फिर संसार के आशा करके क्या करवे तो आशा खत्म मन के मैल दूर होगल मन पवित्र होगल ऐसे अच्छा काम मिली भाई। और राम सुप्रेम ही ओषत पानी हरत सकल कली कलुष गलानी। कहते यह जल रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है और कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाले ग्लानी को हर लेता है। कैसे हरण होई जौन कुछ कर्म भा तब अज्ञान में भा। और भगवान कहलन कि वो हम काम के भूल जाइला जब तू हमरे शरण में आ जाइबे तो भुला जाई तो जब भगवान ने माफ कर दे तो वो कर्म अब कहाँ रहेगा तो ग्लानी अपने आप समाप्त हो जाए। माई समझ में आवता हाँ जवन कुछ कर्म कुकर में संसार में बात जब भगवान के शरण में आवा तो सब खत्म। लेकिन शरण में आ जा तो शरण में आके गलत काम मत करो ये एकदम पक्का पक्का हुए के चाहिए। लेकिन यहाँ आप क्या कर रहे हैं इस समाज ऐसा बन गल बाबा संत के ऊपर से सबका विश्वास है हट गावा मैं अब फुल डुप्लीकेट हाँ यहाँ डुप्लीसिटी कपट हर जगह कपट बा। कोई आदमी से पूछ बे अंदर कुछ और बा बाहर कुछ और बा यही के कपट कह ले अंदर बाहर एक रहे बा उनमें मिलावट करे की जरूरत नहीं बा। तो कोई बात नहीं तो भव श्रम सो सक तो सक तो अशमन दुरित दुख दारिद दोषा। संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को यह सोख लेता है। जब कहते हैं ना लोग ये मान के चल लेते हैं कितना पाप करे भाई ये जन्म में जो हो मुक्ति न दी है भगवान ये लोग भ्रम के कारण मान ले बा। और जबकि भगवान सीधा कहते हैं कि तू हमारे शरण में आवा तो कह हम करोड़ों जन्म का पाप वही क्षण नाश कर दे। एक जन्म का नहीं मई करोड़ों जन्म का पाप प्रमाण के लिए प्रमाण देता भगवान अपने मुंह से खुद है कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही अजन्म कोटि अघ नाश ही तब ही। जौने छड़ आदमी मन बाणी कर्म से अपने घरे में रह सब राम जी के माया से बना बन सबकर सेवा करो कोई से कोनो लालच आशा मत करो भगवान वही क्षण करोड़ों जन्म का पाप नाश कर दी है फिर जन्म मृत्यु का भय रही न जाई। समझे न तो देखो जा व्यवस्था बा अगर आप लोगन के समझ में आई तब तो बढ़िया बा नहीं तो कहीं पता नहीं कहा गए तो वहाँ बैठ के कुछ बोलत रहे नहीं कुछ नहीं बोलत रहे जोन बोलत रहे समझो में आवे के चाहिए। अरे का बा सेवा करो आराम से जब तक जीवन बा सेवा करो भगवान के सेवक बन के उनमें कौन जरूरत बा हम और हमार के चक्कर तो कोई बात नहीं। तो आगे आवो थी कि संतोष को भी संतुष्ट करता है परम संतुष्ट हो जाते हैं लोग इसको पा करके उपाय भय व्यवस्था और पाप ताप दरिद्रता तथा दोषों को नष्ट कर देता है। पाप ताप दोष और दरिद्रता ये सब खत्म हो जाए। और ये कथा का बा ध्यान दे सभी ने कहीं काम न चावता काम न चावता ये कथा ऐसा बात कब काम काम रहेगा
कहते भाई एक एक शब्द सुनत जा, न कहीं जाए के नहीं बा, समझे माई बाबू आराम से गंग कहा गया जी में एकदम सब व्यवस्था होएगा बा। अब कोनो होएगा का वो लोग जो है कि परम धाम के पहुंच जाइ हैं आराम से। तो ये कथा बा भाई समझ ले, काम को मद मोहन सावन अभिमल विवेक विराग बढ़ावन। बहुत सुंदर लाइन बा कि एक कथा से काम वासना क्रोध घमंड मोह नाश हो जाला। ये कथा सुना से काम वासना क्रोध घमंड और मोह, मोह माने अज्ञान, धन वंश नाम का कामना। अब समझ ले जितना जने जितना पंथ निकाले बाने संसार में, वो जरूर निश्चित बाकी कथा पूरा नहीं सुने बार, ये निश्चित बा। वो अपन बुद्धि लगाए बान कहे को उन्हें संसार में अपन फोटो पूजा के बा और कुछ होना ही। भगवान शंकर जी के रचना है, अब उनका शंकर जी के रचना के आगे के कर है ना, शंकर जी से बढ़ के बा भैया। हाँ चले ठीक बात सजने, हाँ तो भाई अब उनमें से एक को पूरे संसार में से लिया बा, जे एक जने एक धरती से अगर कोई पृथ्वी पर लिया जे झूठ ना बोलो तो वह गला काट ले इनका, झूठ नाश करे के ताकत नहीं बा। जितना पंथ निकाले वाले जो है कि पाखंडी है, वो मात्र पाखंडी है, एको पंथ का मतलब नहीं भाई। भैया बात समझो, भगवान शंकर जी का बाड़ी के आगे जो है शंकर जी से बढ़ के कोई भाई, यहाँ राम जी खुदा कहते हैं सफा सफा कि शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोर। तो शंकर जी उन तो कभी नहीं कहें कि कोनो गुरुदेव बाबा का पूजा करे तो हमारे भक्ति पाजी बे। यहाँ ये समय कलयुग में कपट दंभ पाखंड पूरा व्याप्त बा बंधु, हाँ इनमें कोई के रास्ता काम न आई, सब खाली वह लिया के धन अपन हरही, शिष्य धन सो के न हरही, फैक्ट्री चलावा था बाबा के नाम पर मैं। जाए दे ये सब जो ना चक्कर छोड़ा, अब वहाँ मत जा। अब काली अब तो अगर उनके शक्ति हो तो शंकर जी तो अपनी लड़का का बुरी खा के जाए दे, वो सब मत करो महाराज, रह दे नाथ जेके जहाँ मन लगा बा लगा दे, जे अपने से आवे आवे दे, जे न आवे कोई के दबाव न देवे चाहिए। तो सुना वो तो ठीक बा, यहाँ देखो एक कथा से चार चीज का नाश और होला, काम वासना क्रोध मद मोह विमल विवेक। कल चर्चा करत रहे कि मात्र साधक के विवेक उत्पन्न होला, विमल विवेक इसे उत्पन्न हो जाए, साधना का पूरी पूर्णावती एक कथा से हो जाए, पवित्र विवेक और वैराग्य को ये बढ़ाता है। जो हम कहे कि संसार में अगर कुछ जुटावे के बाद वैराग्य, तो वैराग्य के बढ़ावा वाला ही कथा हो पाए, समझे न। और सादर मजन पान किए ते मिट ही पाप परी ताप ही ते। जो सादर माने आदर पूर्वक जो इसमें स्नान करते हैं, इसमें स्नान करने का मतलब ही ये जल से मन का मैल धुलाला जो है, और इसके पीने से हृदय में रहने वाले सभी पाप ताप अपने आप मिट जाते हैं, कोई पाप ताप नहीं बा। और जान ले पक्का पक्का बात बा माई, एक समझ ले चाहे कुछ सोच के आल होगा घरे से हम उसे लेवा देवे के नहीं बा। अरे वो ठीक बा, वो पता बने नहीं माई, ऐसे ही कहता ही जो है थोड़ा समझे की कोशिश करे। जानकारी हुई तो ठीक बा, चलो देखे के बाबा जी आलबैन कोनो हुई है, चलो देखल जा उनका, देखल जा जैसा हुई है देखा ही समझ में आई अब क्या कर। बुद्धि सबके की यहाँ बा, ऐसा कोई नहीं बा कोई की यहाँ बुद्धि ना हो, लेकिन वो बुद्धि कोई का पवित्र नहीं बा, यो बताओ नहीं बाबा।
बुद्धि तो बा सबके किया लेकिन वो पवित्र कुछ नहीं तो लालच जरूर रखा बा। देखे माई अब यह तो लोग कह के ने यह सब जो पखंडियर है ने उनके की यहाँ बात पहुँचाई कि गुरुजी इस प्रकार की बाड़ी बोल रहे हैं तो वहाँ से आवाज आ रही केलाची नहीं बा अभी कहे से काम न हो संत के लालच न हो के चाहे तो के अगर ताकत हुआ तो अपन लालच से निकाले बोरे अगर ठीक न आप लोगों के लालच बात स्वाभाविक बात बात इनमें कोनो दूरा नहीं बा लेकिन संत के भैया जो बात हो रहा है वो संत महात्माओं की हाँ अगर एक्चुअली में अगर संत है तो लालच लालच नहीं होना चाहिए अगर कहीं लालच है तो आप जान ले चौदह भुवन का मालिक हो अगर तनको लालच बात तो कोई अच्छा नहीं कह ठीक न मुख्य बात समझे के बा समझ ले ये जो नगवा लैनिया बोले जाता ही इमे मुख्य बात समझे के बा यहाँ सब ठग बा खाली ठगे सीखे बाएन नारा में बैठ के निकलिए 15 मिनट के लिए कौन बाड़ी बोली कि जनता हमरे ओर आकर्षित हुआ और अपन फोन लिया के गाल दे और हमने आराम से गाड़ी में घूमी यह सीखे बा लोग बा और सीधी सीधी बात बा कि जिन्हें यही बारी न मानस धोए ते कायर कली काल बिगोए ध्यान दे जिन्होंने जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया बात समझल जा यही ठिना के रुकब जे ई राम कथा सुन के अपने मन के माई पवित्र नहीं कर पाए वे कायर है डरपोक देखा सीधा सीधा समझ लो के हाँ कही है कि हमें समय नहीं मिलत महाराज बहुत काम बा अरे बहुत काम बा भगवान के जाने बदे समय नहीं बा बहुत काम बा काम करके क्या करवे काम का नौकर बने से कुछ हुआ वाला राम का नौकर बना राम का सेवक बना नौकर नहीं राम का सेवक बना या काम का नौकर आप सुना ला वाला ना क्वेश्चन राम का सेवक या काम का नौकर ठीक लगाइए कहा जाना है तो जिन्हें एक समझा जा माई ऐसे समझे एकदम सरल आपो लोग माई बहु बहुत कुछ सोचलू समझलू जब मनवा पवित्र न रही तो कवन काम पवित्र होई है ने हाँ उहे बा कि जिने यही बारी न मानस धोए ऊपर से तो खूब पियर्स और डॉप सब लगा करके बढ़िया बढ़िया ऊपर से साफ कर लिया और अंदर में खूब लालच गुस्सा घमंड जलन ममता ठगी भरा बा तो वो बाहर से दिखा के क्या हुई समझे के बाद भाई यहाँ प्रेरणा दिया था भाई ने तो जे अंदर से साफ ना हो ऊपर से ना कुछ लगावा की जरूरत नहीं बा अंदर से पहले साफ करो बाहर से बाद में हुई तो हुई अंदर से साफ हो चाहिए ना भाई मट्टी लगावल है के मला ला बुढ़िया अरे भवा सेवा लेता है हम जाना तो ही ठीक बात आनंद करो मेरारू के बुढ़िया कभी मत कॉल करे हाँ अरे उन्हें बुढ़िया कबो उन्हें अच्छा न लगी हाँ क्या कबे क्या नाम बाल लड़कुआ के लड़कुआ के चलो तीन किस्म के नहीं ठीक बाबू बाद में चर्चा करे यहाँ तक पहुँचा था पहले ये जान ले कि जे कथा सुन करके अपने मन के माई पवित्र नहीं कर पाए तो वो खाली परिश्रम कितनो करे लेकिन प्रेम करे सीख न पाई सफा सफा बात बा वे डरपोक जो है वे लोग डरपोक है जो लोग अपने मन को पवित्र नहीं कर पाते हैं इस कथा को सुन करके वे कलयुग के द्वारा ठगे जा रहे हैं उनमें बुद्धिमानी छोड़ो बा भाई सबके समझ में आवा था कि अगर मन पवित्र न हो तो काम ठीक नहीं बा तो कलयुग उन्हें ठगा था उसमें ठगा था
आप काहे चिंता कर रहे, ठगाता है ठगाए। सत्री सीतनी रखी रवि कर भव बारी, अब फिरी हही मृग जिमी जीव दुखारी। जैसे कि प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल को, जब सूर्य के किरण रेत पे पड़ा तो लगा ला कि वो पानी होई मेरी छिका, उसको देखकर जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने के लिए दौड़ता है और जल न पाकर के दुखी होता है। वैसे ही कलयुग के द्वारा जो ठगे हुए जीव है वे विषयों के पीछे भटक कर दुखी होते हैं। कहिए ये सुना के समय नहीं बा, काम दौड़ाए बा और कौनो काम कर ले शांति मिले वाला नहीं बा, तो बाद में उन्होंने दुखी हो ले और जब बुढ़ा जी है तो कुछ न समझ में आई तो कहिए कि क्या करी, कुछ को अब समझ में आवत नहीं बा। तो मति अनुहारी सुबारी गुण, मति अनुहारी सुबारी गुण गन अगनी मन अनवाई। एक कैसे पढ़िए, मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनी मन अनवाई, असुमिरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। देखे भवा सब क्षमा करे लेकिन बात एकदम सही सही बा है ना। तो अब बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान करा कर है ना, और स्नान तो करावे उकरे बाद स्मरण करे भवानी और शंकर जी के, हाँ स्मरण करके अब सुंदर कथा को कहता हूँ। आप सुन रहे बार बार खाली यह कॉलन की कहता हूँ फिर वह शुरू, फिर कहता हूँ फिर शुरू, चिंता न करे आगे यहाँ आवे के बाद वह यज्ञ बलक और भरद्वाज जी की कथा शुरू हुई काल। तो क्या करे के बाद कि अपनी बुद्धि के अनुसार ध्यान दे भवानी, ध्यान दे। तो कहे के तात्पर्य बा, एक थोड़ा रुक जा, थोड़ा बाड़ी न चले जाई। भवानी शंकर जी के स्मरण करके अब एक कथा आगे बढ़ावत है। अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरी पाई प्रसाद, कहूं जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। कहते अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद का वर्णन करता। अब ध्यान दे भैया, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। तो एन तो लिखे बाय तो यहाँ जे श्रोता बा ओके उतना पवित्र भाव से माता भवानी और शंकर जी के याद करके स्मरण करके मन और चित्त कान तीनों लगा के सुने के चाहिए, मोबाइल फोन साइलेंस मोड में रख देवे के चाहिए, बार बार समस्या न हो के चाहिए। अब ज्यादा चाहिए चाहिए हटावे और खाली दे कह दे कि भरद्वाज मुनि बस ही प्रयाग, अति नहीं राम पद अति अनुराग। मुनि भरद्वाज जी प्रयाग में रहते रहे त्रेता युग में,
राम जी उनसे मिले बदे भी गए रहे, कहे कि जैसे प्रेम रहला आप जान ले आज लोग कह लेन कि हमें प्रेम नहीं करते ऐसे ऐसे सब कह लेने दिन, मतलब कि ये संसार जगत में राम चरित मानस से बतावा थे भाई, एकदम पक्की पक्की बात बा। जाकर जापर सत्य सनेहू सो पुनी मिल ही न कछु संदेहू, जे जेके सच्चा प्रेम करला वो मिलला जरूर। ऐसे कभी कोई के ही न कह जाए कि तू हमसे प्रेम नहीं करते, ये बात कभी कोई से न कह के अगर आपका प्रेम सच्चा है तो वो के मिली है जरूर। ये बाड़ी समझ में आवता ना, एकदम निश्चित बात। अब भरद्वाज जी मुनि का राम जी पर वही बात, ये बात यही ना से आवता भाग कुछ बनाओ ना कि यहाँ नहीं कह के बात है न, ताकि समझल जा कि जो हम प्रयाग में भरद्वाज मुनि रहे तो उनके श्री राम जी के चरणों में परम पवित्र प्रेम था। तापस समय दम दया निधाना, अपरमारथ पथ परम सुजाना। वे तपस्वी रहे भरद्वाज मुनि और उनका जो चित था शम यानी मन निग्रह था, वो सेवक और स्वामी के भाव में ही थे, उसके अलावा उनका कोई भाव नहीं था। जितेंद्रिय थे, इंद्रियों को जीत चुके थे यानी दम, दम माने इंद्रिय निग्रह। दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर थे भरद्वाज मुनि। और कहते हैं कि माघ मकर गत रवि जब होई, तो तीरथ पति ही आव सब कोई। माघ महीना में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तो सभी तीर्थराज लोग प्रयाग में आ जाते हैं। और देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मही सकल त्रिवेणी। इतना ही नहीं, देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के जो समूह है सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं, आज भी करते हैं। माघ महीना में लोग जाले नहाए न, लेकिन आज वहाँ पर सब दम्भी पाखंडी बहन वैष्णव पड़ा बहन, पहले वहाँ वैराग्य विवेक योग युक्त जो है संत सभा लगे। आज समझ लो वैष्णव भरद्वाज मुनि का गड़वा के बना देवा गाबा माली आश्रम बा, इतना बड़े पाखंडी के वहाँ सब खाली लोभ के बाद, अब वैराग्य विवेक भक्ति कलयुग में नहीं बा। एकदम सफा सफा बात बताते हैं, हमारे लोग कहें कि वहां जाए बोलते हमके का जीवे। संत जो है चेतन प्रयाग होते हैं, इनमें बात व्यवस्था है। एक बात आपके थोड़ा सा आवे हो सकला मन में आवे कि गुरु सबके कहलेन बहुत, कोई का दोस्त न देखे थे तब वो इन कहलेन ने यही आवला प्रश्न समाज में कौनो बात इन बहरे है, इन्हें कुछ हो वाला नहीं है, लेकिन जनता के समझब जरूरी हो कि दम्भ हो ये कपट हो, ऐसे आप लोग जब से मुक्त न हो तब से बाहर नहीं आ सकते। मई बात समझ में आवा था ना, तो इन्हें कुछ देखा मत, इनका जितना व्यवस्था बा एकदम सब फिट फाट बा, इधर से कोनो अर्थ नहीं बा। नहीं तो यहाँ तक कि अगर आप चाहे तो देखा आगे यह समाप्त करके कुछ बात बताई, कुछ हो भी आपके धरती पर जितना ज्ञान विज्ञान साधु संत महंतपान उनमें से एक कोई व्यक्ति रही बा जे की झूठ का त्याग कर सके, कलयुग बड़ा विकराल फांस लगाए बाबा है ना। एक जब खुलासा हुई तो मामला आगे बढ़ी, तो उसके बाद देखे लीला हुई। 17 साल की अवस्था के बाद ए शरीर के मुख से एक भी झूठ नहीं निकला बा, पॉलीग्राफ टेस्ट करावल जा सकल, भगवान के कृपा बात नहीं बा। हाँ जहाँ जो चीज के जरूरत पड़ा, शरीरियों के जरूरत पड़ा तो लिख के कोर्ट में दान दे दे, माने सत्य मार्ग से हटे के
नहीं भाई, भगवान की कृपा से होता, कुछ लीला हुआ वाला बा बढ़िया। नहीं आखिर कही अनेक कई दिन चली भाई, सबके लगा था कि ऐसे जो ना कल्याण हो, कुछ नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखा जाए कि सब लोग आकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो पूज ही माधव पदी जल जाता, अपरसिया खाए बटू हर सही गाता। वहाँ पर बेड़ी माधव जी हैं तो उनके चरण कमल को लोग पूजते हैं। आप भी गए होंगे, आप भी गए होंगे, बेड़ी माधव की लोग पूजा करते हैं कल्याण उभाए। और अक्षय बट को स्पर्श करके शरीर पुलकित होता है। बस माई 5 मिनट। अक्षय बट को लोग स्पर्श करके, अक्षय बट को स्पर्श करके लोग, लोगों का शरीर वहाँ पुलकित होता है प्रयाग में। चिंता मत करिए, संत जो है चेतन प्रयागराज ही होते हैं। संत का जो है जिनके अंदर में वही राम भक्ति रूपी गंगा की धारा, क्योंकि भक्ति के लिए यहाँ पर तोड़ है, भक्ति के रास्ते ही जो है एक दिशा निर्देश दिया जाएगा, क्योंकि इसमें दंभियों का समाज बिल्कुल जो है ना जुगनू की तरह चमक रहा है पूरे संसार में, ऐसे नहीं होगा, यही ना। हाँ, और कहते हैं कि भरद्वाज आश्रम अति पावन परम राम मुनि बरे मन भावने। कहते हैं कि भरद्वाज जी का आश्रम परम पवित्र रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों को के मन को भाने वाला था। अब सब जो है वैसा नहीं रहा, जहाँ वैराग विवेक भक्ति नहीं हो कैसा रहेगा। तो तहां होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मजन तीर्थ राजा। कहते हैं तीर्थराज में, तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता था। और क्या होता था वहाँ पर कि मजहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस पर हरि गुण गाहा। वहाँ प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते थे, मतलब करते हैं, और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। उस समय माघ महीना में जो है देखा जा कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि अबर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराज। यह व्यवस्था थी नाथ कि ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते रहे। ज्ञान वैराग्य युक्त होकर भगवान की भक्ति का कथन करते रहे। आज कहा न तो वैराग्य है, न तो विवेक है, न तो ज्ञान है, फिर भी वो चल रहा है। कहते हैं चलता है, चलता वलता नहीं है, वैराग्य नहीं है तो संत का चोला निकाल के फेंक दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल अब जब बोल ही चुके हैं कि यहीं पर आके विराम देंगे तो आप लोग कहेंगे हमारे आते ही विराम, कोई बात नहीं। तो इसी वाणी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महा।